की शादी में हर दुल्हन की इच्छा होती है कि वो कुछ खास करे और उसकी शादी यादगार बन जाए। इसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश भी करती है। हल्दी मेहंदी संगीत से लेकर शादी में दुल्हन की एंट्री तक हर चीज का खास ख्याल रखा जाता है। आपने भी सोशल मीडिया पर कई ऐसी तस्वीरें और वीडियो देखी होंगी जिनमें दुल्हन अपनी शादी में अलग अलग एंट्री करते नजर आती है। हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो सबके सामने आया। दरअसल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक अनोखी शादी देखने को मिली है। यहाँ एक दुल्हन ने अपनी शादी में ट्रैक्टर चलाकर धांसू एंट्री ली। वहीं दुल्हन की ऐसी एंट्री देखकर बाराती और घराती दोनों ही हैरान रह गए। जानकारी के अनुसार ये मामला मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का बताया जा रहा है। जावरा गांव के निवासी वासु कवड़कार की शादी मुलताई निवासी किसान की बेटी भारती तागड़े के साथ तय हुई थी। शादी को लेकर दोनों ही तरफ से खूब तैयारियां की गई, खूब नाच गाना भी हुआ। दुल्हन के घर वालों ने बारातियों का धूमधाम से स्वागत किया। इस दौरान जब वासु मंडप में अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा था तो दुल्हन भारती ट्रैक्टर चलाते हुए मंडप में पहुंची। ये देखकर दूल्हे समेत सारे बाराती हैरान रह गए। फूलों से सजा ट्रैक्टर चलाते हुए जब दुल्हन शादी के मंडप में पहुंची तो लोग एकटूक निहारते रह गए। ड्राइवर की कुर्सी पर दुल्हन तो उसके अगल बगल की सीट पर दूल्हे के साले विराजमान थे। इधर अपनी इस अनोखी एंट्री को लेकर दुल्हन का कहना था कि वो एक किसान की बेटी है और अब एक किसान की बहू बनने जा रही है, इसलिए ट्रैक्टर से तो उसका खास नाता है। वहीं शादी में आए हर मेहमान दुल्हन भारती की एंट्री की तारीफ कर रहे थे। लोगों ने जोर जोर से तालियां बजाकर दुल्हन का मंडप में स्वागत किया। भारती का भी कहना है कि शादी में कार और डोली से एंट्री लेने का ट्रेंड काफी पुराना हो चुका है, अब कुछ नया करने का टाइम है। जी हां, अब कुछ नया करने की बारी आ चुकी है, जिसको ध्यान में रखते हुए दुल्हन ने ग्रैंड एंट्री ली और अपनी शादी के इस पल को बेहद ही खास बना दिया। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।